तांत्रिक अघोरियों और उपासक के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाने वाली गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से शुरू हो रही है। इसका समापन 18 फरवरी को होगा। इस नवरात्रि में गुप्त रूप से पूजा कर अघोरी तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त करते हैं। वहीं गृहस्थ जीवन वालों को इस दौरान देवी दुर्गा की सामान्य रूप से पूजा करनी चाहिए। सामान्यतः मान्यता है कि इससे समस्त संकटों का नाश होता है। राजधानी रायपुर के ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला ने बताया कि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की, माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ती से, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला, यह 10 महाविद्या प्रकट हुई थी, इसी की पूजा की जाती है। आगे पंडित मनोज शुक्ला ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। गुप्त नवरात्रि का नाम से स्पष्ट है, यह गुप्त रूप से इसको मनाया जाए। जैसे कि हमारे शास्त्रों में खास करके शाक्त मत के अनुसार 4 नवरात्रि का वर्णन आता है। वर्ष में 4 नवरात्रि होती है, जिसमें से 2 को उदित नवरात्रि बोली जाती है, जिसमें हर मंदिर बड़े बड़े देवालयों में ज्योति कलश प्रज्वलित करके 9 दिन पर्यंत जो है इस देवी आराधना का पर्व मनाई जाती है, जो उदित नवरात्रि कहलाती है। 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं, जिसमें गुप्त रूप से तंत्र साधना अपने स्वयं के लिए कोई साधक जो है साधना करते हैं, इसको गुप्त नवरात्रि कही जाती है। हमारे महामाया देवी मंदिर जो प्राचीन एक सिद्ध और तंत्र पीठ रही है, यहाँ बड़े बड़े साधक उपासक लोग तांत्रिक लोग आकर के साधना किया करते थे, इसलिए आज भी गुप्त नवरात्रि में एक दीर्घ काल से यहाँ पर यज्ञ आदि का आयोजन मंदिर ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। गुप्त नवरात्रि पर्व एक तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होकर नवमी पर्यंत रहती है, और एक गुप्त नवरात्रि होती है आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी पर्यंत। दोनों में ध्यान रखने वाली सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आषाढ़ महीने वाले नवरात्रि में दूसरे दिन रथ यात्रा पड़ती है, और माघ महीने वाली नवरात्रि में 5वें दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है। तो यह दोनों जो है गुप्त नवरात्रि के रूप में हमारे जन सामान्य में वर्णित है।